रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाए लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भायू जी की बेटी कुहू ने डीआईजी से कहा आयुषी ही मौत के लिए जिम्मेदार, इंदौर। भायू महाराज की खुदकुशी के बाद से ही उनकी बेटी कुहू लगातार पुलिस अधिकारियों को फोन कर रही है। कुहू ने डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा को फोन कर कहा कि पिता की मौत की जिम्मेदारी सौतेली माँ आयुषी ही है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भायू महाराज ने मंगलवार दोपहर बेटी कुहू के कमरे में आत्महत्या कर ली थी। अंतिम संस्कार के बाद कुहू ने घर से आयुषी के फोटो हटा दिए थे। इसके बाद से वे चुप्पी बनाए हुए है। जांच अधिकारी सीएसपी मनोज रत्नाकर के मुताबिक बयान देने के लिए कुहू ने समय मांगा है। मंगलवार को पुलिस अफसरों को फोन जरूर किए। फुटेज में दरवाजे की तरफ भागते दिखे सेवादार पुलिस ने भायू जी के घर से सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर जब्त किए हैं। एसपी अमरेंद्र सिंह की टीम ने पासवर्ड से सिक्योर गैजेट्स को खोल लिया है। एसपी अवधेश गोस्वामी के मुताबिक दोपहर 1 बजे बाद अचानक हलचल नजर आती है, दरवाजा नहीं खुलता है और शोर होता है, सभी दरवाजे के पास जाते दिख रहे हैं। बयानों की पुष्टि फुटेज से हो रही है, लेकिन क्राइम ब्रांच और जांच कर रही है। डॉक्टर आयुषी का रिकॉर्ड खंगाल रही पुलिस। पुलिस डॉक्टर आयुषी का रिकॉर्ड खंगाल रही है। शादी के पहले वे एक भवन वरकुआ के जिस पर महंस हॉस्टल में रहकर पीएचडी कर रही थी, पुलिस वहां पहुंची। उसके पुराने दोस्त विवेक, सचिन आदि को बयान के लिए बुलाया है। वर्ष 2013 में आयुषी शर्मा पहली बार महाराज से मिलने सहेली के साथ आश्रम पहुंची थी। शुरू में आयुषी अंग्रेजी पर पकड़ व सुंदर लिखावट के कारण महाराज के करीब आई। विनायक वारिस मांडने की बाध्यता नहीं, सुसाइड नोट में सेवादार विनायक दुधाड़े को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि महाराज की यह अंतिम इच्छा कानूनविदों की राय में वैधानिक नहीं है। एडवोकेट विभोर खंडेलवाल के अनुसार इच्छा पत्र की वैधानिक मान्यता तब है जब लिखने वाले की मनस्थिति ठीक हो, दो गवाह मौजूद हो तथा वे सिर्फ प्रॉपर्टी के अधिकार सौंप रहा हो। इस मामले में ऐसा नहीं है। शुजालपुर और इंदौर आश्रम में बनेगी समाधि। भायू महाराज का अस्थि संचय गुरुवार सुबह भमौरी मुक्ति धाम में उनकी बेटी कुहू ने किया। गुरुवार दोपहर 2 बजे वे इन्हें लेकर महेश्वर स्थित नर्मदा तट पहुंची। यहां अस्थियां विसर्जित कर दी गईं। विनायक दुधाड़े ने बताया महाराज की समाधि उनके पैतृक स्थान शुजालपुर और इंदौर के बापट चौराहा स्थित मुख्य आश्रम में बनाई जाएगी।